भाई क्या है मिसलिनियस चैप्टर सेवन क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है क्वेश्चन 23 है टेन इनवर्स इंटीग्रेशन अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है एज्यूम कर लिया कॉस थीटा तो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये हो जाएगा वन और कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। देन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है अब ये पर हाँ क्या करेंगे हम इसमें जी हाँ बिल्कुल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहीं पे साथ में करते चल रहे हैं ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस अरे सॉरी हाँ वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है और डी एक्स था तो डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस का साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ये हो जाएगा ऊपर क्या ध्यान से देखिए वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नीचे हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम इसको भी अंदर ले लेंगे ना उसके बाद काटेंगे ठीक है ना क्योंकि वो भी तो स्क्वायर है। तो अगले स्टेप में इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं बिकॉज ये भी स्क्वायर है होल और ये भी होल स्क्वायर है तो इनको एक साथ लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ठीक है अब ये कैंसिल हो गया स्क्वायर स्क्वायर रूट टेन इनवर्स ये होगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये है माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा। नीचे वाले को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऊपर है वन माइनस इस कॉस थीटा को ब्रेक किया इस कॉस थीटा को मैंने ऐसे में ब्रेक किया कि ये वाला वन हट जाए तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन में नहीं साइन में करना पड़ेगा ये तो हाँ क्योंकि बिकॉज बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है और ये साइन थीटा है तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू और ये ब्रैकेट में माइनस का साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन टेन इनवर्स यहाँ पे खोल दिया ये वन वन कैंसिल हो गया ये क्या हो गया प्लस बचा ठीक है तो यहाँ बचा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू और ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ठीक है ये कैंसिल हो गया ये एक इससे कैंसिल हो गया क्या बचा टेन थीटा बाई टू बचा तो ये हो गया हमारा क्या टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू और यहाँ पर हो गया माइनस का साइन थीटा डी थीटा। आया समझ में इतना नोट करो कर रहे हो ना साथ में हटा दे इधर वाला पाठ। ठीक है अब देखो जरा यहां पे ये हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो जाएगा अब क्या बचेगा थीटा बाई टू यानी कि थीटा बाई टू इंटू माइनस का साइन थीटा डी थीटा। अब यहां से माइनस कॉमन ले लिया माइनस का वन अपॉन टू कॉमन ले लिया और अंदर हो गया थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें क्या लगेगा बताओ कौन सा वन होगा
होगा, ये वन हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू, ब्रैकेट लगाया तो वन बाहर, इंटीग्रेशन सेकंड, ठीक है, डी थीटा माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, और पहले वाले का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन दूसरे वाले का, इंटीग्रेशन साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा, ये कैंसिल, और पूरा सॉरी कैंसिल नहीं ब्रैकेट, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, माइनस वन अपॉन टू थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा माइनस, ठीक है, ये तो वन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा, उसके बाद कॉस थीटा का फिर से एक इंटीग्रेशन लगा हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा साइन थीटा, पहले तो देखो इसका इसका क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा, वो जो माइनस आ गया बाहर प्लस हो गया, तो यानी कि ये प्लस हो गया, और अंदर लिखा हुआ है इस समय क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फिर से क्या, इंटीग्रेशन, जो कि क्या होगा, साइन थीटा प्लस सी। तो फाइनल आंसर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया वन अपॉइंट टू, माइनस का मल्टीप्लाई वन अपॉइंट टू को करना चाहो तो कर सकते हो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर वन अपॉइंट टू, तो ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस सी, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या थी भाई, हमने एक्स क्या एज्यूम किया था, ज़रा बताना मुझे, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, वन अपॉन टू थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस थीटा की जगह हो जाएगा एक्स, तो यहाँ एक्स लिख दें बाहर हम, और माइनस साइन थीटा की जगह क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, बिकॉज साइन थीटा डालोगे वन वन माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप लिखोगे अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा कितना है एक्स। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर फोर, ठीक है, क्या करेंगे इसमें, देखिए भाई देखना जरा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको इसके साथ लिख दिया मैंने अपॉन एक्स की पावर फोर, ठीक है, और ये वाले पार्ट को मैंने क्या लिखा, देखिए ये टू है तो इधर क्या हो जाएगा, और लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा, डिवीजन, यानी कि लॉग एम अपॉन एन, ये टू है ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर लॉग एम माइनस लॉग एन यानी कि हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बात आई समझ में, उसका अंडर रूट नहीं खुल सकता क्या इसका, नहीं, ठीक है, इंटीग्रेशन, अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है, इसको आप और क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, ये हो गया लॉग, डिवाइड कर दो तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, होगा, ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले यहां पे देखो, यहां से समझ में आएगा थोड़ा सा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स है, एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर नीचे होता तो मैं इसको टी मान सकता था, समझ में आ रही बात, लेकिन नीचे क्या है, एक्स की पावर फोर है, अगर इसको अंदर लेके जाऊं मैं स्क्वायर रूट के तो कुछ बात बन सकती है, चलो ध्यान से देखना, लेकिन इसको अंदर कैसे लेके जाएंगे बेटा, अंदर स्क्वायर होगा तब बाहर आएगा एक टर्म, जब अंदर स्क्वायर रूट में स्क्वायर होगा और एक टर्म बाहर आएगा, तो ये वो कर दो ना, तो बताओ एक्स की पावर टू तो हो जाएगा और फिर उसका होल स्क्वायर और ऊपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किया, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर बाहर आया होगा तो क्या रहा होगा एक्स, यानी कि इसमें से कौन सा एक्स यूज हो गया, एक एक्स यूज हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर,
एक्स क्यूब बचा, स्क्वायर नहीं यूज हुआ रहा है भाई, ये इसके ये बाहर आएगा तो एक्स बचेगा, एक्स बचेगा, यानी कि आप इसको ब्रेक कर सकते हो क्या, एक्स क्यूब इंटू एक्स में और इस एक्स को अंदर ले गए, अभी आया समझ में? तो ये बचा वन अपॉन एक्स क्यूब, आया? यहां पे इसको मैंने ब्रेक किया एक्स क्यूब इंटू एक्स में, और ये जो एक्स है स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? और ये हो गया हमारा कितना, लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये हो गया लॉग ब्रैकेट में वन वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको टी मान लिया मैंने, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या माना, टी, डिफरेंशिएशन करो इसका क्या आएगा बताओ भाई, और कोई कुछ बोलना चाहेगा या बता दूं मैं? इतना टाइम क्यों लगा रही हो, ये ऊपर जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन किया आपने तो माइनस टू एक्स की पावर माइनस टू प्लस माइनस टू माइनस वन, यानी कि ये हो जाएगा माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, यानी कि माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, क्लियर? तो अब हमने क्या, तो देखो ये वन अपॉन एक्स क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये डी एक्स को इधर ले गए तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस का टू, ठीक है, आया समझ में ये चीज? तो अब यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स क्यूब वन अपॉन एक्स क्यूब और डी एक्स की जगह क्या रख सकते हो डी टी अपॉन टू और माइनस बाहर लगा दिया, ठीक है, बाद में, ठीक है, और इसकी जगह क्या हो रूट रूट के अंदर टी और इसकी जगह क्या इंटू लॉग टी और कुछ बस, समझे, ठीक है? अब क्या लगा दें, आई लेट लॉगरिथमिक फर्स्ट वन अपॉन टू वन वन अपॉन टी हो जाएगा रूट टी, वो तो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद वन अपॉन टी आई लेट लगा दो, चल जाए कम, ठीक है? तो माइनस का वन अपॉन टू बाहर ले लिया मैंने, बचा अंदर मेरे पास क्या बचा रूट टी इंटू लॉग टी और ये डी टी, ठीक है, आई लेट लगा दिया, ये हमारा फर्स्ट नहीं होगा सॉरी, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, ठीक है, आई लेट इनवर्स होता है, पता है, हाँ, लॉग टी रूट टी है, अरे पता है मुझे, एक मिनट को वन अपॉन टू, ठीक है, वन अपॉन टू माइनस का वन अपॉन टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रूट टी लॉग टी बाहर, लॉग टी हमारा बाहर, इंटीग्रेशन रूट टी को हम ये लिख दें, ठीक है, थोड़ा इजी होगा, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किसका, लॉग टी का डिफरेंशिएशन, यानी कि वन अपॉन टी लॉग टी का डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टी की पावर वन अपॉन टू डी टी और फिर पूरे का डी टी, ठीक है, नोट करो इतना, फिर आगे हटाते हैं इसको, अब हम अप्लाई कर देते हैं वहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू ब्रैकेट लॉग टी और इसका इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट का, तो वो हो जाएगा इनटू टी की पावर वन अपॉन टू प्लस वन, यानी कि कितना हो गया थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन टी तो ऑलरेडी है हमारे पास, इनटू इसका भी हो जाएगा लास्ट वाले का इस वाले पार्ट का टी रेज टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन
थ्री बाय टू डी टी, माइनस वन अपॉन टू, ये टू बाई थ्री इधर आ जाएगा, ठीक है, और t की पावर थ्री बाई टू इंटू लॉग t माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई, ये टू बाई थ्री तो बाहर ले लो, ये टू बाई थ्री ऊपर हुआ और उसको बाहर ले लिया, टू बाई थ्री बाहर ले लिया, अब ये कितना बचेगा, क्योंकि ये माइनस वन ऊपर जाएगा, कितना बचेगा, फिर से वन बाई टू बचा, यही चीज बची, और फिर से इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन, यानी कि फिर से आ जाएगा इंटू टी की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, क्लियर है, और यहां पे लग जाएगा प्लस का सी, तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन टू, टू बाई थ्री टी रेस पावर थ्री बाई टू इंटू लॉग टी माइनस, ये हो जाएगा कितना, ये फिर से ऊपर जाएगा, यानी कि फोर अपॉन नाइन टी रेस पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ठीक है। अब टी हमने क्या अज्यूम किया था जरा बताओगे, अच्छा ये लिखा हुआ है वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो अब यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है, t की पावर थ्री बाई टू कॉमन आ रहा है, माइनस का वन अपॉन टू, t की पावर थ्री बाई टू कॉमन आ गया और इसमें वैल्यू पुट कर दी, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू ब्रैकेट टू बाई थ्री लॉग, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन नाइन प्लस सी। टू बाई थ्री भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम एक और स्टेप कर सकते हैं भाई, टू बाई थ्री भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस वन अपॉन टू इंटू टू बाई थ्री कॉमन लिया, तो ये टू टू कैंसिल हो गया, तो फाइनल माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस का वन अपॉन थ्री, ये हो गया वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू ब्रैकेट टू बाई थ्री कॉमन लिया था, तो यहाँ वन बचेगा लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का टू बाई थ्री प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है भाई, देखिए इंटीग्रेशन कह रहा है पाई बाई टू से पाई ई रेस्ट टू द पावर एक्स वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया हमारा क्या डी एक्स, ठीक है। ई की पावर एक्स वाला जब भी फॉर्मेट आए ना, तो सबसे पहले आप ना कोशिश करिए कि या तो हो सकता है कि वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मेट बने, ठीक है, इसे बाद में हटा दीजिए, ऊपर से नहीं हटा पाओगे, नीचे से तो हट जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन पाई बाय टू पाई ई रेस पावर एक्स वन माइनस, इसको हमने लिख दिया टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू अपॉन, ठीक है, वन माइनस इसको लिख दिया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट खोल दिया तो ये माइनस अंदर जाएगा माइनस वन हो जाएगा और इसको कर देगा प्लस और ये डी एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन पाई बाई टू पाई ई की पावर एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वन अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग, इंटीग्रेशन पाई बाई टू पाई ई रेस टू पावर एक्स, ये हो गया कितना वन अपॉन टू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये वाला, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स नहीं कॉट एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है भाई, क्लियर है, पर क्या कुछ नहीं, अच्छा ठीक है ओके, पर कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर आप माइनस कॉट एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन करो, क्या करो डिफरेंशिएशन करो, तो माइनस तो बाहर आ गया और कॉट एक्स बाई टू का क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और अब एक्स बाई टू का होगा वन बाई टू,
ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, यानी कि ये एफ एक्स हो गया है और ये क्या हो गया है एफ डैश एक्स। तो इंटीग्रेशन e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का आंसर आता है हमेशा e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहां पर आ जाएगा आंसर e रेस्ट पावर एक्स, हाँ जी, माइनस का कॉट एक्स, माइनस यानी कि माइनस का कॉट एक्स बाई टू, और लिमिट थी हमारी यहां पर पाई बाई टू से, पाई बाई टू से पाई। ठीक है, क्लियर है भाई, अप्लाई कर देते हैं हम। ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू पावर पाई इंटू कॉट, पाई रखा तो पाई बाई टू, ठीक है, और फिर दूसरी बार माइनस माइनस लगेगा बिकॉज ये भी खुद माइनस है और इस लिमिट को अप्लाई करने पे माइनस लगता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये हो गया हमारा e रेस टू द पावर पाई बाई टू इंटू कॉट पाई बाई फोर। ठीक है, प्लस सी तो आएगा नहीं हमारा यहाँ पे, ठीक है, कॉट पाई बाई टू कितना होता है भाई, जीरो होता है, ये टर्म पूरा जीरो, और प्लस ये कितना हो वन e की पावर पाई बाई टू, यानी कि आंसर कितना हो गया e की पावर पाई बाय फोर वन होता है ना, अरे सॉरी कॉट पाई बाय फोर, e की पावर बोल रहा हूँ, कॉट पाई बाय फोर वन होता है। 26 इंटीग्रेशन जीरो पाई बाय फोर, और ये है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर फोर एक्स प्लस साइन की पावर फोर एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, साइन की पावर फोर, हाँ देखो भाई, देखिए भाई कुछ तो क्वेश्चन आपके ट्रिकी हैं, जीरो से पाई बाई फोर साइन की पावर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस रेस्ट पावर फोर एक्स डिवाइड किया ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी मैंने कॉस की पावर फोर एक्स को क्या किया डिवाइड किया डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जीरो से पाई बाई फोर इसको लिखा मैंने साइन, देखो एक ये तो कैंसिल हो गया इससे, ठीक है, यानी कि साइन एक्स के साथ एक कॉस एक्स ले लिया और बचा क्या वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक कैंसिल हो गया, अपॉन यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वन प्लस क्या बचेगा डी एक्स। ठीक है ऋषिका, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो पाई बाई फोर, ये हो गया टेन एक्स और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन रेस्ट पावर फोर एक्स डी एक्स। किसको टील होगी, किसको टेन एक्स, गलत, नीचे वाले को गलत, टेन स्क्वायर एक्स को टी ले लिया मैंने, तो मैंने यही बोला था सबसे पहले, मैंने यही बोला था, कितना झूठ बोल रहे हो, उससे पूछो उससे पूछो इसने क्या बोला था बताओ आप रिकॉर्डिंग में सुनो टेन एक्स बोला था तुमने, टेन स्क्वायर एक्स को मैंने टी ले लिया, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टू टेन एक्स, अब टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, समझ आया, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है तो, और ये पूरा डी एक्स इसकी जगह रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू, रख देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा वन प्लस वन प्लस टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर और डी टी अपॉन टू, तो डी टी यहाँ लिख दिया वन अपॉन टू बाहर ले लिया, और लिमिट चेंज कर दो भैया यहीं पे, ध्यान दो, ठीक है ना, लिमिट यहीं पे चेंज कर दो क्योंकि ये x की लिमिट है, किसकी लिमिट है x की, तो यहां पर आप व्हेन x इज इक्वल टू जीरो देन ये जीरो रखोगे तो टेन जीरो कितना होता है भाई जीरो होता है, तो t बराबर कितना हो जाएगा जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय फोर पाई बाय फोर टेन पाई बाय फोर वन होता है, तो t बराबर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, समझ आ रही बात,
तो ये हो जाएगी 0 से 1, ठीक है। तो अब ये हो गया 1 अपॉन 2, ये खुद एक tan इनवर्स का फॉर्मूला है, tan इनवर्स क्या t, ठीक है, और लिमिट अप्लाई कर दी तो ये 0 से 1, ठीक है, क्लियर है। अब t की वैल्यू हमें दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, पता है ना क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने लिमिट चेंज कर दी ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा, हाँ जी, क्योंकि लिमिट उस टाइम ना इसकी चल रही होती x की, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स, पहले 1 रखोगे और ये आ जाएगा tan इनवर्स 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स tan 0, ठीक है, ठीक है। अब ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा कितना, पाई बाय 4, और पाई बाय 4 इनटू 1 अपॉन 2 पाई बाय 8, यही आंसर है आपका। ये तो अच्छा क्वेश्चन। अब एक और बढ़ेगा क्वेश्चन 27, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर यहाँ पर साइन है, तो इसको ब्रेक करो सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस बाहर कौन बैठा है, 4, 4 का मल्टीप्लाई अंदर, तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखिए 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर, इधर देखो बेटा 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 0 से पाई बाई 2, मैंने माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया ऊपर, और माइनस 3 1 अपॉन 3 का डिवीज़न होगा, ठीक है, क्योंकि मैं नीचे वाला पूरा पैटर्न बना रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो पहले यहाँ पर माइनस 3 लाने के लिए मैंने क्या किया, माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 1 अपॉन 3 का क्या होगा, डिवीज़न होगा, तो ये हो गया 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब नीचे क्या है, 4 भी है, तो प्लस 4 करेंगे और माइनस 4 करेंगे, समझ आ रही बात, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा एक पैटर्न बन गया मेरा, ये पूरा एक के साथ चला जाएगा, ठीक है, और बाकी वो उसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3, सब में कॉमन आ गया, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, ये कट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू डी एक्स, और ये होगा मेरा कितना, माइनस का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, माइनस का क्यों, हाँ माइनस का, ठीक है, माइनस का 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। इसको आई मान लिया और पहले इसको सॉल्व किया, आई इज इक्वल टू है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 4 अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। लो भाई 4 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है, इसको लिख देते 1 अपॉन sec स्क्वायर एक्स, तो 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये हो गया 1 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये sec स्क्वायर एक्स यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा, 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस 3, और sec स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया डी एक्स, समझ में आ रही बात, ठीक है। इस sec स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर लो, i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 sec स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 4 sec स्क्वायर एक्स इन द टर्म्स ऑफ tan, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 डी एक्स। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हो गया 4 प्लस 4 tan
स्क्वायर एक्स माइनस थ्री डी एक्स। आई बात समझ में, क्लियर है? देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स फोर अपॉन ये वन प्लस फोर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई बात समझ में? तो अब ध्यान से देखो, नीचे लिखा हुआ है, मैं नीचे क्या कर सकता हूं, नीचे मैंने मान लिया टेन एक्स को, मैंने टू टेन एक्स को मैंने टी मान लिया, टू टेन एक्स को क्या मान लिया टी, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा फोर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो टू टेन एक्स को क्या मान लिया टी मान लिया। देखिए टू टेन एक्स को मैंने टी माना, तो यानी कि ये हो जाएगा टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू। ठीक है, और ये डी एक्स, सॉरी यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया, अप्लाई कर दिया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फोर जीरो से पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह रख दिया क्या डी टी अपॉन टू, बाहर ले लिया टू, और नीचे हो गया वन प्लस टी स्क्वायर, क्या हो गया वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये टू टाइम्स कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कितना टू टेन इनवर्स टी। ठीक है, और लिमिट अप्लाई कर दी जीरो से पाई बाई टू, लेकिन यहाँ पे लिमिट चेंज तो करें, जीरो या पाई बाई टू कर दी मैंने, गलत कर दिया, लिमिट चेंज करें यहाँ पर, यहाँ पे लिमिट चेंज कर देते हैं। ठीक है, लिमिट चेंज कर देते हैं, जब x बराबर जीरो है तो t बराबर कितना होगा भाई, जब x बराबर जीरो है तो t बराबर कितना होगा जीरो होगा। ठीक है, और दूसरा जब x बराबर पाई बाई टू है तो t बराबर कितना होगा इनफाइनाइट होगा, कितना होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कैसे आ गया भाई, सही करें, टू टेन एक्स पाई बाई टू, हाँ ठीक है, यानी कि इसकी लिमिट आ जाएगी कितनी, अच्छा हाँ ठीक है सही आ जाएगा, ठीक है इसकी लिमिट आ जाएगी कितनी जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में ये हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो। ठीक है, अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है टेन पाई बाय टू, यानी कि टेन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में टेन इनवर्स टेन पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स टेन जीरो, तो ये हो गया आई इज इक्वल टू टू पाई बाय टू बचा केवल और यहाँ पे जीरो तो इन टू पाई बाय टू क्या बचा आई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब यहाँ पे रख देते हैं ये जो हमारा स्टार्टिंग में था, ये था हमारा फाइनल आंसर, इसका इंटीग्रेशन यही कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस का वन अपॉन थ्री ब्रैकेट, इसका आएगा पाई बाय फोर, मतलब कि वन आएगा एक्स आएगा सीधे सीधे एक्स, और यहाँ पर अप्लाई कर दिया पाई बाय फोर से जीरो, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा पाई बाय फोर। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन थ्री ब्रैकेट पाई बाय फोर प्लस, प्लस नहीं माइनस, ये माइनस है कितना माइनस पाई, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का थ्री पाई बाय फोर, माइनस वन अपॉन थ्री इंटू माइनस का थ्री पाई बाय फोर होगा। इधर है क्वेश्चन, ये माइनस का थ्री पाई बाय फोर होगा, माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री कैंसिल, फाइनल आंसर पाई बाय फोर। एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये पाई बाय जीरो से पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू चल रहा था, ये जीरो से पाई बाय फोर है, यहाँ पर पाई बाय टू होना चाहिए था। ठीक है, ये पाई बाय टू होना चाहिए था, यानी कि ये लिमिट हमने यहाँ अप्लाई की कितनी पाई बाय टू, तो इसका आंसर आना चाहिए था कितना पाई बाय टू, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए था हमारा वो आना चाहिए था माइनस का वन अपॉन थ्री। ठीक है, और इसका आंसर है पाई बाय टू माइनस, और इसका कितना आया था पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन थ्री और इनटू ये कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, तो फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस हो गया तो पाई बाई सिक्स आंसर ये है।